मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार हाई स्कूल और इंटर के पास बच्चों से मुलाकात करके उनका उत्साहवर्धन कर रहे हैं। आज भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने आवास पर लखनऊ के मेधावी छात्रों से मुलाकात की। इस वक्त पल्लव वर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। इन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा में सबसे ज्यादा अंक हासिल किए हैं, टॉप किया है। पल, सबसे पहले तो मैं आपकी मार्कशीट देखना चाहूंगा और आप अपने कैमरामैन से कहेंगे कि इनकी मार्कशीट दिखाएं कि जिस तरह से इन्होंने जो अंक हासिल किए हैं वो अपने में ही अद्भुत हैं और लखनऊ की हैं ये। लखनऊ में कई सारे जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें इन्होंने बहुत अच्छे नंबर हासिल किए हैं। हिंदी में 100 में से 100 नंबर इन्होंने हासिल किए हैं। एक विषय इंग्लिश में इन्होंने 96 नंबर पाए हैं, साइंस में 96 नंबर पाए हुए हैं। तो इस तरह से कई सारे जो अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं उसमें इन्होंने 90+ मार्क्स जो है वो हासिल किए। हम इनसे बात करेंगे। पल, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको कि आपने इतने अच्छे अंक हासिल किए हैं। दूसरी चीज, आज आपने मुख्यमंत्री जी से मुलाकात की, क्या बातचीत हुई? जी, मुख्यमंत्री जी ने अपने आवास पर बुलाया हमें। हमें बहुत खुशी हुई इस अवसर को प्राप्त करके। उन्होंने हमारी शिक्षा पर बहुत ध्यान दिया। उन्होंने बताया कि हमें किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए, किस तरीके से ध्यान देना चाहिए और हमारी शिक्षा का जो महत्व है वो समझाया। साथ ही साथ उन्होंने शिक्षा के साथ में किस तरीके से हमें खेलकूद को समय देना है, खान पान पर ध्यान रखना है और किस तरीके से हमें न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत ज़रूरी बताया। अगर हमें आगे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जाना है तो उसके लिए हमारे न्यूज़पेपर पढ़ना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। साथ ही लाइब्रेरी जाना उन्होंने महत्वपूर्ण बताया। इन्हीं सब बातों को बताते हुए उन्होंने हमारा प्रोत्साहन बढ़ाया और प्रेरित किया कि हम आगे बढ़ते रहें। अच्छा, अब हाई स्कूल हो गया आपका, आगे की जो शिक्षा है इंटर की बात की जाए, क्योंकि टेंथ के बाद इंटर पे ही सबसे ज्यादा फोकस रहता है, ट्वेल्थ पे फोकस रहता है। कौन कौन से वो सब्जेक्ट हैं जो आपके मन में इस वक्त बने हुए हैं कि इन सब्जेक्ट से मुझे ट्वेल्थ करना है और उसके बाद आगे का क्या एम है आप? जी, ट्वेल्थ तो मैं पीसीएम से करूंगी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और हिंदी इंग्लिश से। उसके बाद आगे मुझे ग्रेजुएशन बीएससी से करना है और फिर सिविल सर्विसेज में जाना है। अच्छा, इनके परिवार वाले भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे। आप प्रिंसिपल हैं ये कॉलेज की जहाँ से इस बच्ची ने पास किया हुआ है। मैम, आपके स्कूल की इस बच्ची ने टॉप किया हुआ है, कैसा लग रहा है? बहुत बहुत मेरे लिए गर्व की बात है और उससे ज़्यादा गर्व की बात है कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोग को आमंत्रित किया, इन बच्चों से संवाद किया, एक फॉर्मल संवाद जो किया उससे मेरे बच्चे बहुत प्रोत्साहित हुए हैं कि आगे बढ़ने के लिए इनको जो प्रेरणा मिली है, जैसा इसने बताया, छोटे छोटे टिप्स दिए उन्होंने और जो जीवन के लिए ज़रूरी है वो बातें बताएं, खास तौर से लाइब्रेरी के लिए बताया। वाकई पुस्तकें हमारे लिए जीवन के लिए, पढ़ाई के लिए बहुत ज़रूरी हैं, तो उसके लिए प्रेरणा दी हमारे बच्चों को और हमारी तरफ से बहुत बहुत आभार है माननीय मुख्यमंत्री जी को और आगे भी इसी तरह से शायद वो संवाद करते रहेंगे, हमारे बच्चों को प्रोत्साहित करते रहेंगे। धन्यवाद। पर्ल के माता पिता से भी बात कर लेते हैं क्योंकि बहुत ज़रूरी है, उनकी बेटी ने टॉप किया है। सर, बहुत बहुत बधाई, आपकी बेटी ने टॉप किया है लखनऊ में हाईस्कूल की परीक्षा में, कैसा लग रहा है आज उनसे मुख्यमंत्री जी की मुलाकात? हमें बहुत अच्छा लग रहा है, तो हमारी बेटी ने मतलब जो है लखनऊ टॉप किया है और सबसे ज़्यादा तो ये है कि मुख्यमंत्री आवास पे सम्मानित किए गए हैं हम लोग, तो ये बेटी की वजह से हुआ है, हम लोगों को बहुत खुशी है और मुख्यमंत्री योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। माता जी, कैसा लग रहा है? हमें बहुत अच्छा लग रहा है और हमारे पूरे परिवार का सपोर्ट रहा है। हमारी तीन बेटियाँ हैं हमारी, तीनों साथ में, हमारी हमसे ज़्यादा हमारी बेटियों ने सपोर्ट किया। आप लोगों को अच्छा लग रहा है? जी, बहुत। तो साफ तौर पर पूरा परिवार खुश है बेटी की सफलता पर और अब से थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन बच्चों से मुलाकात की है। ये टॉपर हैं पल्लव वर्मा और इनको आगे कैसे और बेहतर शिक्षा इनकी हो सकती है, इसके अलावा शिक्षा में जुड़े रहने के लिए और कौन कौन से प्रमुख कदम है जो ये उठाएं, इसको लेकर के भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से इनको काफी बातें जो है वो आज बताई गई। फिलहाल मुख्यमंत्री की तरफ से लगातार प्रयास ये है कि उत्तर प्रदेश की जो शिक्षा व्यवस्था है वो बेहतर हो और उसी वजह से इस बार जो हाई स्कूल और इंटर की जो परीक्षा परिणाम है वो काफी अच्छे आए। कैमरा पर्सन दीपक के साथ मैं नितिन पांडे।